गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरे बाप चीज क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रावल जी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, अजय देवगन की मोस्ट स्टार्टेड फिल्म सिंघम अगेन जिसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 12 दिन हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस फिल्म के शुरुआती 11 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, मैं आपका दोस्त सुमित के रावल। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे बता दूं कि बॉलीवुड की मोस्ट स्टार्टेड फिल्म सिंघम अगेन जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने, वही दोस्तों इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल रहा है अजय देवगन, करीना कपूर खान, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को 1 नवंबर को रिलीज किया गया जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 12 दिन हो रहे हैं। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने पहले दिन 43.50 करोड़ रुपए का, पहले हफ्ते से 172.91 लाख रुपए का, दूसरे वीकेंड से 33.50 लाख रुपए का, 11वें दिन 4.25 लाख रुपए कलेक्शन कर चुकी। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 11 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 211 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों, अब बात करें इस फिल्म के 12वें दिन यानी आज की, तो यह फिल्म आज लगभग 4.50 लाख रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआती 12 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 215.50 लाख रुपए का। तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 257.30 लाख रुपए का। तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 323.50 लाख रुपए का। तो दोस्तों, ये थे अजय देवगन की मोस्ट स्टार्टेड फिल्म सिंघम अगेन के शुरुआती 12 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देख ले तो हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी अजय देवगन के डाई हार्ड फैन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस फिल्म की आने वाली सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।